जो मिशन स्कूल पे जो लकड़ी के पुल पे से जो खतरा उठाकर बच्चे लोग जा रहे थे, उसके अंदर आपने क्या कार्रवाई करी है? उस पर मामला सामने आया था। इसकी सूचना मिलते ही हम लोगों ने प्रबंधन से इसकी जानकारी ली थी। खुद मैं भी स्कूल गया था, वहाँ जाके उस जो वहाँ का स्थान था उसको भी देखा है। उन्होंने बताया कि बच्चों को निकालने के लिए एक उन्होंने अस्थायी पुल जैसा बना दिया था नाले के ऊपर। निसंदेह इसमें एक रिस्क थी और बच्चों की कीमती जीवन को इस तरह से रिस्क में नहीं डाला जा सकता है, तो इस संबंध में उनको नोटिस दिया गया है। विस्टवुड कॉटेज स्कूल के जो प्रबंधक हैं और उनके जो प्रिंसिपल हैं, माननीय SDM सर के द्वारा उनको नोटिस जारी किया गया है और उनसे स्थिति स्पष्ट करने के लिए बोला है कि उन्होंने प्रशासन को बिना विश्वास में लिया और प्रशासन को बिना बताए ऐसा कार्य क्यों किया और भविष्य में इस तरह का कार्य ना करें, इसकी भी उनको हिदायत दी गई। तो अभी कुछ सेफ्टी के लिए कुछ बताया गया बच्चों के लिए, जैसे वही एक मार गया दूसरा उनको कुछ नहीं? ये उनको बोला है कि जब भी अगर ज़्यादा बारिश होती है और रास्ते बंद हो जाते हैं तो स्कूल को बंद रखें और उसका जो वैकल्पिक रास्ता है, जो दूसरा रास्ता है, उस रास्ते का प्रयोग करें। सर एक क्वेश्चन हो रहे हैं कि ऐसी जगह परमिशन दी जा सकती है जहां पे आने जाने के रास्ते नहीं है स्कूल्स के, नहीं, परमिशन से आपका है। मतलब जहाँ पे स्कूल बना है वहाँ पे कहीं रास्ते नहीं आने जाने के, ये समस्या हमेशा बनी रहती है वहाँ पे, तो ये परमिशन दी जा सकती है ऐसी जगह स्कूल को एक्चुअली बनने के? परमिशन विद्यालय को मान्यता के संबंध में आप कह रहे थे, संबंधित विभाग जो परमिशन संबंधित देता है। जी विभाग। हाँ, हाँ, इसमें जिस समय वो विद्यालय खोला होगा, ओपन हुआ होगा, या जिस समय उसकी मान्यता के संबंध में जांच हुई होगी, उस समय शिक्षा विभाग के लोग गए होंगे और उस समय बारिश का समय नहीं रहा होगा और रास्ता हुआ होगा, इसलिए उन्होंने ये परमिशन दी होगी शायद। नाम बताना अभिषेक शर्मा।